जैसे ही सूरज की किरणें इस पौधे की पत्तियों पर पड़ती हैं, ये पौधा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हमेलिया प्लांट के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है और इसे फायर बुश भी कहते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेडिश टोन में होते हैं, रेडिश ऑरेंज टोन में हैं इसके जो फ्लावर्स हैं। इसका एक और नाम भी है फायर क्रैकर, क्योंकि जो इसके जो फ्लावर्स हैं वो पटाखे के शेप में हैं, इसलिए इसे फायर क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। हमेलिया का प्लांट एक हार्डी प्लांट है और साल भर ये आपके गार्डन में रहता है और फ्लावरिंग भी वैसे तो साल भर ही होती है, लेकिन गर्मियों में और बारिश के दिनों में इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलते हैं। जहाँ से इसके फ्लावर्स निकलने होते हैं उसके आसपास की जो लीफ है वो रेडिश टोन में हो जाती है, जो कि इस प्लांट की पत्तियों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। मैंने इस प्लांट को छत पर रखा हुआ है जहाँ पर इसको पूरे दिन की तेज़ धूप मिलती है। ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे धूप में ही रखना ज़रूरी होता है, तभी इसके फ्लावर्स अच्छे से खिलते हैं। मैंने इस पौधे को गमले में लगा रखा है, एक बड़े से गमले में लगाया हुआ है जिसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाना चाहें तब ये एक छोटे से पेड़ के जैसा शेप ले लेता है। अगर आपने घास वगैरह लगा रखी है तो आप हैच के तौर पर इस प्लांट को, हमेलिया के प्लांट को भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सुंदर लगेगी हैच, और उस पर जब ये रेड रेड इसकी जो फ्लावर्स खिलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा वो बॉर्डर। मैंने इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाई हुई है ताकि इसमें से पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, पानी रुके ना बिल्कुल भी, क्योंकि सौगी मिट्टी इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर कभी किसी दिन पानी देना भूल भी जाए तब भी ये पौधा अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती इस प्लांट में। लेकिन अगर आप दो चार दिन तक पानी नहीं देंगे तो जो इसकी पत्तियां हैं वो एक तरफ से थोड़ा सा झुक सी जाती हैं, इसलिए पानी तो इसको ज़रूर देना है, लेकिन वो पानी बस ड्रेन हो जाए। हमेलिया के फ्लावर्स बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड इन सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आपने अपने गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगाए हुए हैं तो आपको अपने गार्डन में हमेलिया का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उन प्लांट्स की भी पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, उसके लिए कोई भी हेल्दी सी स्टेम को कट करके मानसून के सीज़न में अगर इसकी कटिंग लगाएं तो वो ज़रूर चलती है। हमेलिया के प्लांट को बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है और ये समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन मैं जब बाकी अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो वंस इन अ मंथ मैं इसे भी काओ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जल्दी से नर्सरी से जाकर हमेलिया के प्लांट को अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।